अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए पाए बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक दर्जन लैम्ब पाए। आप मटन और बीफ के पाए भी ले सकते हैं। एक कप दही फेंटा हुआ होना चाहिए, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 नॉर्मल साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस में कटा हुआ, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करें। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो इसमें प्याज डाल दें और इसे मिक्स करें। प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन कलर का हो तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे 1 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें दही डाल दें। ख्याल रखें कि दही जो है फेंटा हुआ होना चाहिए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा धनिया और नमक डालकर इसे 5 मिनट के लिए फुल हीट पर पकाएं। जी, दही का पानी जो है खुश्क हो गया है, मसाले जो हैं सारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें पाए डाल देंगे। पाए डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 2 जग भरकर पानी के डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए फुल हीट पर उबाल आने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, उबाल आ गया है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने रख देंगे। जी, 3 घंटे हो गए हैं, पाए गल चुके हैं और ग्रेवी भी इसकी थिक हो गई है। तो अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। जी, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। बारीक कटा हुआ अदरक, धनिया और हरी मिर्ची से इसे गार्निश किया है। मज़ेदार।